नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार जो कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी पर स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस स्क्रिप्ट में क्लाइमेक्स आ गया और ये क्लाइमेक्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों करवा लिया गया। आखिरकार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सदस्यता पर उन्हें लगभग बरी कर दिया गया है। अब लगभग बरी करने का क्या मतलब है? और मानसून सत्र में ये धमाका हुआ, ये मानसून सत्र में धमाका कैसे हुआ है इसके बारे में आपको दिखाएंगे। बिना माफीनामे के बावजूद, यानी माफीनामा नहीं दिया, उसके बदले मतलब संसद के मानसून सत्र में ही राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। और आखिरकार जिस जज ने, जस्टिस गवई ने, जो कि इस मामले पर जिन्होंने फैसला दिया है, हम उनके फैसले पर सलूट करते हैं, उनके फैसले को कहते हैं उन्हें सही किया, लेकिन उनके बारे में बताना भी हमारा फर्ज है। इनके पिता 40 साल तक कांग्रेस में रहे, इनके भाई अभी भी कांग्रेस में हैं, ये सब ये साक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा फैसला सुनाएंगे। खेल तो तब आपको दिखाएंगे जब ये पूरा खेल एक एक करके आपके सामने इस वीडियो में एक्सपोज होगा। इंडिया बनाने का खेल क्या था, और राहुल गांधी को तो 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कानूनी तरीके से कैसे इन्वॉल्व किया गया, वो सब कुछ है। आप सभी से चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो, हमारे कंटेंट पसंद आए तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें प्रोत्साहित राशि यानी सहायता राशि भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बड़ा फैसला सुना लिया, बिना माफीनामे में संसद में मानसून सत्र के बीच आज फैसला आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ हुआ उसे, राहुल गांधी पर चल रहे केस पर क्या फैसला आने वाला था, इसके बारे में हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया था। जी हाँ, आपको बता दें, जस्टिस गवई जो अभी एक हफ्ते पहले माननीय कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया था, जहां एक मेडिकल के जो हॉस्पिटल का एक मालिक था जिसके खिलाफ अवमानना का केस था, वहां पर ही जस्टिस गवई ने कह दिया था कि अवमानना के केसेस में ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको केसेस में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ये फैसला जिस दिन आया था उसी दिन हमारे चैनल पर हमने भी ये बात साफ कर दिया था कि ये भविष्यवाणी की थी कि राहुल गांधी पर ये फैसला साफ तौर पर वही आएगा, और आखिरकार वही हुआ। कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिक्स सेंस काम किया, और उसी फैसले को जो हमने प्रेडिक्ट किया था, आज वही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय जस्टिस गवई ने, राहुल गांधी के केस में जज हैं, उन्होंने भी ले लिया आज। वही मतलब उन्होंने वहां भी लिया था, यहां पर भी ले लिया। तो ये राहुल गांधी की अवमानना के मामले की सुनवाई पर इन्होंने आज फैसला सुना लिया। आपको बता दें सबसे पहले कि आखिरकार ये पूरा खेल कैसे हुआ, फिर चलेंगे हम आखिरकार 40 साल तक कैसे इनके पिता जस्टिस गवई, जिन्होंने फैसला इनके पिता, इनके बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले पूरी कहानी के स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी को हम बताते हैं। याद करिए वो दिन जब बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र से पहले एक रिपोर्ट लीक कराई जाती है, जो रिपोर्ट किस तरह से अमेरिका से लीक कराई जाती है, और अमेरिकी रिपोर्ट को लीक कराए जाने के बाद पूरा का पूरा जो बजट सत्र है वो इनके चिल्लपों के भेंट चढ़ जाता है। चिल्लपों का मतलब यही है कि ये चिल्लाते रहे कि अडानी चोर है। मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आपने देखा पूरा का पूरा मामले जो थे, पूरा बजट सत्र था, वो चिल्लाहट के पूरी तरह से उसके भेंट चढ़ गया। हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि आम जनता की गाढ़ी कमाई जो 2.5 लाख रुपए मिनट आप उड़ा रहे हो और आप चिल्लाते हो कि अडानी चोर है, लेकिन आप किसी को चोर कहते हुए आपको शर्म नहीं आती, और बाद में अगर वो आप पर केस करता तो आप कहते हो माननीय इतना बड़ा आप केस क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने तो सिर्फ चोरी कहा था। अरे किसी को चोर कहा था तो चोर सिद्ध करो ना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन यही हुआ कि अडानी को चोर चोर चिल्लाने वाले पूरा सब बजट सत्र खा गए। उसके बाद कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला, और ना कोर्ट गए ना कुछ कहे, और बेचारा
क्योंकि वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और चुपचाप अपने आप के चोरी के आरोप को वो सहता रहा। अब मामला आगे बढ़ता है, राहुल गांधी को पब्लिसिटी चाहिए, मीडिया राहुल गांधी के बारे में बात कैसे करेगा। तो आया राहुल गांधी पर एक फैसला, जो कि राहुल गांधी को ये कह रहे थे कि सारे मोदी चोर है कहने के वक्तव्य था, जिसको लेकर के उनको कोर्ट में हुई, उनके ऊपर केस हुआ। और राहुल गांधी के मोदी वाले मानहान तो केस को खींचते खींचते वक्त ये आया कि इसको मानसून सत्र तक ले जाएगा। राहुल गांधी पूरा का पूरा विपक्ष और सबसे ज्यादा कांग्रेस इस पूरे मामले में, जब अभी इस बार की मानसून सत्र शुरू हुआ तो मणिपुर हिंसा की एक वीडियो को वायरल कराया गया संसद के बैठने से दो दिन पहले, जबकि ये केस 2.5 से 3 महीने पहले का था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे खेल कैसे, जिस अडानी को ये लोग चोर कह रहे थे बजट सत्र के दौरान, वो अडानी उस पर ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और अब मणिपुर को लेकर के यहां चिल्लाने लगते हैं। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर, अगर मणिपुर में हिंसा हुई तो राहुल गांधी को आपने कहीं देखा कि संसद भवन के सामने या कहीं राहुल गांधी किसी प्रकार का कोई धरना है, किसी प्रकार का कोई वक्तव्य दे रहे हैं? राहुल गांधी चुपचाप बैठे थे, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री करानी थी एक फिल्म के हीरो के रूप में। और वो एंट्री कैसे होती, वो एंट्री जो होती वो संसद बाया सुप्रीम कोर्ट, आपने फिल्मों के नाम सुने होंगे, वो इसी तरह से ये भी था कि संसद बाया सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अब राहुल गांधी की एंट्री आने वाले सोमवार को जब संसद में होगी और सुप्रीम कोर्ट से माननीय यहां फैसला सुनाया गया है, तब बड़े बड़े लोग अब इस पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आज वक्तव्य आया जीजा जी का, जी हाँ, जीजा जी की बात कर रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये न्याय की लड़ाई थी जिसमें इंसाफ की लड़ाई में एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर निकला। अरे कौन से इंसाफ की लड़ाई, आप कहते हो कि अडानी चोर है, अब अडानी चोर कहते हो बिना किसी साक्ष्य के, आप अडानी को चोर कहते हो और आप कहते हो आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो, आप बिना किसी साक्ष्य को मोदी चोर कह देते हो, आप कहते हो इंसाफ की लड़ाई थी, आप ये कहते हो चौकीदार चोर है इसको बिना साक्ष्य के कह देते हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खेल खेल करके पूरी तरह से मीडिया को पब्लिसिटी स्टंट करते हो, आप कहते हो ये सब इंसाफ की लड़ाई है। आप कहते हो रफेल में घोटाला हुआ, रफेल घोटाला कहां गया अगर रफेल में घोटाला हुआ, आप कहते हो कि इंसाफ की लड़ाई है। अरे इंसाफ की लड़ाई वो होती है कि आपको उस चीज को सिद्ध करना हो कि वो सिद्ध करो जो आप बोलते हो बात, यानी कि अगर आपने कहा कि अडानी चोर है तो आपको सिद्ध करना है, सड़क पर चलते हुए आप सिर्फ अडानी को चोर बोल देते हो और राजनीतिक फायदा उठाते हो इसका, और सीधे तौर पर उसके बाद कहते हो कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो। कौन से इंसाफ की लड़ाई, जहां आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा के आप आगे निकल जाते हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपने कानूनी दाव पेचों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे हुए हैं सामने उनके भी हाथ तो बंधे हुए हैं, जब आप सबूत ले जाके सौंपते हो कहते हैं ठीक है ये तो सबूत आपके लिए साक्ष्य हैं जिसके तहत आपको छोड़ा जाएगा, लेकिन कम से कम यहां से कभी सोचिएगा कि आप जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो। अब मणिपुर हिंसा मामला खत्म हो जाए क्योंकि राहुल गांधी सामने आ गए। हो सकता है मंडे से राहुल गांधी को, अब कई बयान ऐसे आ रहे हैं कि जो इंडिया को लेकर बात चल रही थी, इंडिया, मुझे लगता है अब इंडिया भी टूटने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रेडिक्शन ये पूरी तरह से 2024 के प्रेडिक्ट कर दिया जाएगा। कांग्रेस अब पूरी तरह से आगे आ जाएगी कि कांग्रेस को 170 सीटों पर अपना उसका वर्चस्व साफ तौर पर दिखता है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आखिरकार जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने आखिर वो कौन है जिन्होंने राहुल गांधी पर ये फैसला सुनाया। जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। जस्टिस गवई के बारे में अगर हम और बातें बताएं तो आपको बता दें 2025 में देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। केजी बालकृष्णन के बाद गवई देश के दूसरे दलित सीजीआई होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई के संस्थापक थे। वे अंबेडकरवादी राजनीति से जुड़े हुए थे। वो लंबे समय तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। अमरावती से वो सांसद भी रहे। कांग्रेस सरकार के दौरान केरल में, सिक्किम में, बिहार में और राज्यपाल के पद पर भी रहे। जस्टिस गवई के भाई राजेंद्र गवई भी राजनीति में एक्टिव हैं। आरपीआई के अलग अलग पदों पर कवायद गवई और रामदास अठावले के बीच कई दिनों का साथ रहे, लेकिन बाद में राजेंद्र कांग्रेस के साथ चले गए और अठावले केंद्र में मंत्री बन गए।
अब इन सबसे आप समझ सकते हैं कि साहब एक कलेजियम सिस्टम जो है वो लोकतंत्र पर कैसे हावी होता है, आखिर कैसे चंद सेकंड में संसद द्वारा लिए गए फैसलों को पलट दिया जाता है। सभी के बारे में सोचना होगा क्योंकि न्यायपालिका द्वारा लिया गया कोई फैसला फाइनल निर्णय पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, परंतु एक बार जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर कोई फैसला लेती है तो लाठी डंडा लेकर तलवार लेकर संविधान लेकर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और अपने अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।